सब लोग, आवाज आ रही है? सर जैसे गुड इवनिंग का कुछ रिप्लाई होना चाहिए ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इसे कैसा लग रहा है? जबरदस्ती तुम लोगों से बुलवाया जा रहा है। चलो ठीक है। तो केतन कर दिया तूने? चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। आज जी कहाँ तक पढ़ाया था? नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्या फिर से बोलो? नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स पूरा बता दिया था। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मैंने बस कॉन्सेप्ट बताया होगा। तो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a square minus b square minus c square equals to zero. अब इक्वेशन रियल होना चाहिए, उसके लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूं, वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इफ ये पॉजिटिव आ गया या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो अपना काम हो जाएगा। तो बी इज माइनस टू ए माइनस फोर ए इज वन, सी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज 4 इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ ये b स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म है, ज्यादा से ज्यादा वो जीरो हो सकता है, एंड c स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म है, वो भी मिनिमम जीरो ही हो सकता है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया या ग्रेटर देन जीरो आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गया, दिस रूट्स आर रियल। आगे बात समझ में, कॉपी कर लो जल्दी। फोर इंटू वन है वो पॉइंट नाइन। प्रूव दैट द रूट्स
of the following equation. Are rational when a b c belongs to q. मतलब a b c rational है. a plus c minus b into x square plus 2 c x plus b plus c minus a equals to zero. क्यों होगा बोलो जल्दी. चलो देखो बताता हूँ. अब इसका रूट्स रैशनल होना चाहिए. तो वो कब होगा? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, नॉट परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर. तो या तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, देखो परफेक्ट स्क्वायर आता है या नहीं आता है. बिल्कुल आएगा. ओके आप चाहो तो ऐसे कर लो, टू सी स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए. ये भी हो जाएगा, फोर तो कॉमन ही ले लिया. सी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी और ये मल्टीप्लाइड बाय. इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी माइनस बी. ठीक है नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको. मैं मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसको क्या करता हूँ, सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी. ऐसे भी तो लिख सकते हैं. उससे फायदा क्या होगा अपना, सी स्क्वायर माइनस दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हो जाएगा बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? और माइनस की बात प्लस हो जाएगा. कोई दिक्कत यहाँ तक देख लो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा. थर्ड स्टेप वापस समझाओ ना. ये मैंने क्या किया, सी प्लस ए माइनस बी, सी को पहले लिखा ए माइनस बी को बाद में लिखा. ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी हो गया तो यहाँ c माइनस ए माइनस बी हो गया. उससे फायदा क्या हो गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो कंप्लीट वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा. बस ये कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने ऐसा किया. कैंसिल 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट मींस इक्वेशन विल हैव माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा ना. क्या बोलो फिर से बोलो. अरे बोलो. अ माइनस ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा ना. अरे वाह, लेकिन सर इधर माइनस होगा तो ब्रैकेट भी होगा ना, और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना. अब ठीक है, अब समझा? यस सर. तो ये डिस्क्रिमिनेंट देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर आया, बट इतना करने की जरूरत नहीं थी. ये है आम जिंदगी. अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी क्या होगी. मेंटोस जिंदगी में क्या होगा, आप x इक्वल टू 1 रख के देखो या फिर माइनस 1 रख के. उस कई बार आप देखना ऐसा, अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिखे, एक
इक्वेशन आपको ऐसा दिखेगा कि x इक्वल टू वन या माइनस मीन सारे कोएफिशिएंट ऐड होके जीरो हो रहे होंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ वन रख के ऐसे ही आप x वन रखोगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस जीरो नहीं आ रहा है, बट अगर माइनस वन रख दू तो एल एच एस इक्वल टू देखो ए प्लस सी माइनस बी, और यहाँ ये तो वन ही हो जाएगा, और ये x माइनस वन रखा था माइनस टू सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए, तो प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस टू सी माइनस टू जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस, मीन्स एक रूट क्या हो गया माइनस वन। कितनी अच्छी बात है, सीधा रूट ही फाइंड कर लिया हमने। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आप ऐसे रूट फाइंड कर सकते हो। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अब रूट्स का प्रोडक्ट क्या था, c बाय a जिसमें से एक माइनस वन हो गया, तो बीटा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ दिस वैल्यू जो कि रैशनल है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर रैशनल। अब बोलोगे ऐसे कैसे रैशनल है, क्योंकि a b c तीनों रैशनल है ना, तो उनको एड सब्ट्रैक्ट करें अगर तो रैशनल नंबर ही तो मिलेगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लो। सर वो सेकंड स्टेप वापस समझाओ ना, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में मैंने क्या किया कि x का वैल्यू माइनस वन रखा LHS में जो कि RHS के इक्वल आ गया, क्योंकि माइनस वन रखने के बाद सारे कोएफिशिएंट्स अगर ऐड हो रहे होंगे तो कैंसिल हो गए, मींस x = -1 एक रूट हो गया। तो इफ एक रूट माइनस वन है तो दूसरा रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट पता है, रूट्स का प्रोडक्ट पता है, एक रूट माइनस वन रख दिया तो दूसरा रूट आ गया, क्योंकि ए बी सी तीनों रैशनल नंबर है इसीलिए बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस सी माइनस बी भी रैशनल ही होगा, तो दोनों रूट्स रैशनल हो गए, वही तो प्रूव कर रहा था। सर्वेश सब चंगा आया समझ में? सर वो अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू कैसे लिया आपने, वो नहीं समझा। एक ना रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद है बचपन में पढ़ा था c / a। हां सर बस वही यूज किया, समझ गया सब लोग, आगे बढ़े। कॉपी कर कर लो जल्दी करो। सर हां हां बोलो। सर आप तभी क्या बोल रहे थे कि अगर सबका सम जीरो आता है तो कोएफिशिएंट्स का सम, देखो कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, ये है कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट, इनका सम जीरो दिख रहा हो। हाँ सर। या तो सबको ऐड करके या किसी एक को या बीच वाले को सबट्रैक्ट करके जीरो दिख रहा हो, तो एक रूट माइनस वन या फिर वन में से कुछ एक हो सकता है। यहाँ पे देखो रूट माइनस वन आ गया, ये बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है समझा सर। सर वो लास्ट स्टेप एक और बार बताओ ना, सेकंड मेथड का। यस सर, सर मतलब आपने उसको रैशनल लास्ट में बताया कैसे, बिकॉज ए बी सी आर रैशनल, सो इफ ए बी सी आर रैशनल देन माइनस वन तो रैशनल है, देन बीटा विल आल्सो बी रैशनल ना, बिकॉज ए बी सी को आप ऐड सबट्रैक्ट करोगे तो रैशनल ही तो मिलने वाला है कि नहीं बताओ सर। मतलब यस सर ट्रैक करेंगे मतलब क्या, सर्वेश फिर से बोलो। सर एबीसी को ऐड सबट्रैक्ट मतलब ऐड सबट्रैक्ट कुछ भी करो, सबको ऐड कर दिया किसी एक को सबट्रैक्ट किया ऐसा कुछ करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा ना। हां ये रैशनल नंबर को तुम कितना भी ऐड सबट्रैक्ट कर दो तो रैशनल ही मिलने वाला है। हां सर ये सबसे तुरंत हो जाना चाहिए। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड के बाद क्या लिखा है, लैम्डा ऐसे होता है। स्पेलिंग में भी गलत लिख सकता हूं मैं, एम है ये। हो गया तो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस लैम्डा x प्लस 9 इसका एक्चुअल स्पेलिंग ये वो
लैम So that is x square minus lambda x plus 9, right? Yes, it's 9. Okay, sir. So its roots real and equal. That means discriminant will be equals to 0. Discriminant kya hoga? Minus lambda square minus 4ac. हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. One plus three iota. सर तो इसका दूसरा रूट 1 माइनस 3 आयोटा होगा ना. पूछो, मैं बोल ही दूंगा तो फायदा क्या है. याद करो, इफ ऐसा कुछ बताया था मैंने तो होगा. सर क्या जाएगा, x square minus 2x plus 10 equals to 0. ये अपना आंसर होगा. कॉपी कर लो. डन? नहीं सर, दो मिनट. चलो जल्दी करो. आयोटा की वैल्यू माइनस वन होती है क्या? नहीं, आयोटा की वैल्यू रूट ओवर माइनस वन होती है, इसलिए आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाता है. रूट ओवर माइनस वन इज आयोटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो माइनस वन आ जाता है, इसलिए आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. पढ़ा हुआ है सर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है इंटू आयोटा बचा, माइनस आयोटा आ गया. और आयोटा फोर भी चाहिए तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखते हैं. ये होता है वन, ये भी होता है वन, इक्वल टू वन. एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. सर सर वो मैं लिख रहा था, थोड़ा ऊपर लो ना, वो मैं लिख रहा था. ओके ओके.
सर एक मिनट, ऊपर का सम... क्या ऊपर का सर आपने क्यूबिक इक्वेशन दी है? हाँ हाँ क्यूबिक दिया है, उसका वैल्यू चाहिए इफ एक्स इज 1 प्लस 2 है उसका। सर सेवन है आज। ओके आपका सेवन आ गया, और कोई? मैं बता दूं, सी कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे x equals to 2 plus root 3 या 2 plus root 5 या ऐसा कुछ, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे आप, रूट हटाने का ट्राई करो। तो आप रूट कैसे हटाओगे या आयोटा हटाने का ट्राई करो, अगर यहीं पे मैं स्क्वायर कर दूं तो आयोटा खत्म नहीं होगा, बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर में वापस से आयोटा तो आ ही जाएगा, लेकिन इफ वन को इधर लाके स्क्वायर करूं तो आयोटा खत्म हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर कर देता हूं फिर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और 2 आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू 0 मिल चुका है। अब इसका वैल्यू चाहिए तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो, है ना, वो भी किया जा सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। x cube plus x square minus x plus 22, उससे अच्छा ये रहेगा अगर मैं इसमें ये जनरेट करने का ट्राई करूं, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 5 है तो मैं यहाँ माइनस 2x square प्लस 5x लिख देता हूँ, उससे क्या होगा कि इन तीनों से x कॉमन जाके x square minus 2x plus 5 ही बचेगा। फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्चुअली ये स्टेप कैसे किया आपने? अभी लिखा नहीं है, रुक तो आगे बाकी है, प्लस 3x स्क्वायर लिखूंगा तब तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x का हो पाएगा, और माइनस x है और इधर प्लस 5x है तो माइनस 6x लिखना पड़ेगा। और एक्चुअली में था माइनस एक्स, मैंने लिख दिया प्लस 5x तो माइनस 6x लिखना पड़ेगा, और प्लस 22 पहले से था। क्या अभी समझ में आया ये, बोलो? यस सर। यस सर। x कॉमन, ओके, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बचा, प्लस इधर भी देखो 3 कॉमन होके x स्क्वायर माइनस 2x बच रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ भी प्लस 5 हो जाए तो प्लस 15 ही लिख दू, तो इन तीनों से 3 कॉमन होके x square minus 2x plus 5 ही बचेगा, और plus 15 लिखा है तो plus 7 लिखना पड़ेगा। ये तो value पता है 0, ये हो गया 0, यहाँ भी 3 common ले लिया मैंने, x square minus 2x plus 5 बचा plus 7, तो ऊपर का step एक और बार समझाना। क्या? हाँ सर, उस step वापस एक और बार समझाना। मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो यहाँ तक समझा आपको? नहीं सर, एक बार वापस समझाओ। फिर मैंने क्या किया, x क्यूब के साथ अपने को ये वैल्यू पता है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 पता है, तो मैंने ट्राई किया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कहीं से आ जाए उसमें, उसको ट्राई किया, तो x क्यूब के साथ अगर माइनस 2x स्क्वायर लिख दूं और प्लस 5x लिख दूं तो इन तीनों से x कॉमन होके x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ही तो बचेगा। बोलो, बचेगा ना? बोलो। हां सर। तो वो मैंने लिख दिया, अब था बट एक्चुअली में प्लस एक्स स्क्वायर और लिख दिया मैंने माइनस टू एक्स स्क्वायर,
तो अपनी मर्जी तो चलती नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लिख दिया, उससे क्या हुआ प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर होकर एक्स स्क्वायर बन गया, और प्लस फाइव एक्स लिख दिया था बट एक्चुअली में था माइनस एक्स, तो क्या माइनस सिक्स एक्स लिखूंगा तब तो माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स हो पाएगा, प्लस ट्वेंटी टू था वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ से ये तीनों टर्म से x कॉमन ले लिया तो ये बचा, और 3x square minus 6x के साथ अगर 15 लिख दूंगा तो इन तीनों से 3 कॉमन होके x square minus 2x plus 5 बचेगा वापस से, इसीलिए प्लस 15 लिख दिया। हाँ बोलो सर्वेश, 22 था ना वहाँ पे, हाँ इसीलिए 15 लिखा ना ताकि 3 कॉमन होके x square minus 2x plus 5 बचे, हाँ 22, 15 लिख दिया है तो क्या लिखू प्लस की 22 हो जाए 7, इसीलिए प्लस 7 भी लिख दिया। अभी समझा? हाँ सर। अब ये वापस से जीरो हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 7, वही आंसर है। समझा अभी? हाँ सर। ये सर नोट करना है। हाँ हाँ लिख लो। हो गया yes, sir. डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी कर सकते थे ना स्नैक्स का, उसमें बहुत लेंदी हो जाता यार, कर तो सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कितना लेंदी होता सोच। हाँ सर अभी कितना इजीली हो गया, अभी इतना स्टेप्स लिखा है ना तुम्हें भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 3-4 स्टेप तो ऐसे ही हटा दोगे, तो सीधे यहाँ से लिखना चालू कर दोगे प्रैक्टिस होने के बाद, अभी नहीं हो पाएगा। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं पढ़ाता हूं आपको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ कैसा दिखता है ध्यान से देखो, तो ग्राफ के लिए आपको एक बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू, ध्यान से देखना ये समझना बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर्स के लिए भी। देखो ग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राफ आपको आ गया तो 70% ऑफ मैथ्स आ गया, और ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा इसलिए कि क्योंकि एक्चुअली में बहुत सत्य बात है ये, ग्राफ्स आना बहुत जरूरी है, ग्राफ आ गया तो बहुत कुछ आ गया, तो हर चीज का ग्राफ आप समझा करो, इसके बाद के भी चैप्टर्स पढ़ोगे आप, ट्रिगो पढ़ोगे इसमें भी ग्राफ्स आएगा, तो किसी को ग्राफ समझ में आ गया, ट्रिगो आपने पढ़ लिया होगा वैसे, तो फिर ट्रिगो में और मजा आने लगता है, उसके बाद आप बहुत और भी चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें ग्राफ, और 12th तो ग्राफ अगर आता है तो और अच्छा लगता है, ठीक है, तो ग्राफ समझो तो मैथ्स और इंटरेस्टिंग बनते जाता है। तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो आपको उसका ग्राफ एक पैराबोला होगा। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला होता है कुछ या तो ऐसा या फिर ऐसा, दिस इज पैराबोला। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला ही क्यों होगा, तो क्योंकि जो भी कारण है इसका वो जब हम लोग पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे या तो 11th के एंड में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये जो कॉनिक सेक्शन होता है ना उसमें आता है ये, तो तब जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैराबोला का ग्राफ एक क्वाड्रेटिक ही क्यों होता है। अभी आप याद रखो कि क्वाड्रेटिक मीन्स पैराबोला, ओके ये आपको पता होना चाहिए। अब ये दो बातें होंगी,
कभी कभी ग्राफ ऐसा बनेगा और कभी डाउनवर्ड्स बनेगा, कभी अपवर्ड्स बनेगा कभी डाउनवर्ड्स बनेगा, यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। और आपको बनने को दूसरा भी बन सकता है, लेकिन आपको इन दोनों के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। y equals to ax square plus bx plus c, इस फॉर्म का जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसका ग्राफ या तो अपवर्ड्स डायरेक्शन का पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन का पैराबोला होगा। अब ये दोनों कब कब होगा? अपवर्ड डायरेक्शन का होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख के ही बता सकते हो कि कोई अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, मींस उसके एक्स स्क्वायर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो इफ पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन का होगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा। ये आप गांठ बांध लो, और कई बार ये काम आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टेबल देता हूं जो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, कॉपी करने का टाइम आपको मैं बहुत सारा दूंगा, अब सिर्फ स्क्रीन की तरफ ही देखो और कहीं मत देखो। तीन बातें होंगी, एक्चुअली छह बातें होंगी, y equals to ax square plus bx plus c। डिस्क्रिमिनेंट आप ही बताओ कि इसके रूट्स क्या क्या होते हैं। माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, और बीटा क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। डिस्क्रिमिनेंट इफ ग्रेटर देन जीरो, तो आपको भी पता है कि दो रूट्स आते हैं और दोनों डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, मीन्स अलग अलग रूट होते हैं। तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट रूट आ रहा है, रूट का मतलब क्या होता है? जिधर y का वैल्यू जीरो हो जाए। तो किसी भी ग्राफ में y का वैल्यू जीरो कब होगा? जब x एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करेगा। ध्यान से सुना हर एक पॉइंट को, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उधर उसके y का वैल्यू जीरो होगा। ध्यान से सुनना। और अगर मैं बोल दूं कि कोई ग्राफ है यहाँ पे ax square plus bx plus c equals to zero का रूट हो गया जिधर वो x एक्सिस को कट करेगा, लेकिन मैंने बोला कि ax square plus bx plus c equals to two, इसका रूट क्या होगा? तो आप बोलोगे कि इसका जो भी ग्राफ आएगा वो x y equals to two को जिधर कट करेगा वो उसका रूट होगा। मैंने बोला कि ax square plus bx plus c equals to 7, इसका रूट किधर होगा? तो y, ये y का ही तो वैल्यू है, तो y equals to 7 पे जिधर कट करेगा वो ग्राफ वही उसका रूट होगा। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि रूट का मीनिंग क्या होता है, बट इन जनरल आपको y equals to 0 ही मिलने वाला है। तो आप क्या बोलोगे कि रूट किधर होगा? जिधर वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वही उसका रूट होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये बस आप दिमाग में रखो, ठीक है, ये भी कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने को इसका रूट चाहिए, रूट चाहिए मीन्स जब ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाए, मीन्स जिधर ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वही इसका रूट होगा। तो इसके टू रूट्स आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा, और दोनों अलग अलग है, मीन्स x एक्सिस को ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा या फिर दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। तो अभी y एक्सिस किधर होगा वो अपने को नहीं पता, वो बाद में सोचेंगे, वो अगला स्टेप है। बट इतना तो समझ में आ गया कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा और a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा? आप सबको दिमाग में ऐसा आ गया होगा कि ग्राफ ऐसा, पैराबोला है, a ग्रेटर देन जीरो है, तो a पॉजिटिव मींस अपवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ, d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो मींस टू अलग अलग पॉइंट्स पे कट करना मींस
इसका ग्राफ जो मैंने इधर अभी ड्रॉ किया है ऐसा होगा. वही अगर a less than 0 हो जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो जाता है. तो कैसा बनता ग्राफ आप सब जानते हो, ग्राफ कुछ ऐसा हो. आप चाहो तो बचपन में जैसा ग्राफ किया करते थे वैसा भी कर सकते. तो कैसे किया करते थे, x के डिफरेंट 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 वैल्यूज लिया करते थे और उससे y का जो भी वैल्यूज आता था फिर उसका कोऑर्डिनेट हम लोग प्लॉट करते थे और उन सबको ज्वाइन करते थे. वैसे करके देखोगे तो आपको पैराबोला मिलेगा. लेकिन उसकी जरूरत क्या है, आप ऐसे ही समझ लो ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन अपवर्ड डायरेक्शन वाला पैराबोला एंड इफ ए इज लेस देन 0 देन डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला पैराबोला एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 ग्राफ विल कट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन बोथ द केसेस इफ ए इज ग्रेटर देन 0 आल्सो एंड इफ ए इज लेस देन 0 आल्सो दोनों ही केस. थोड़ा वॉल्यूम हेलो सर यूज करिए ना. हां बोलो सर. ए का वैल्यू तो हम हमारे तरफ से चेंज भी कर सकते हैं ना. वो तो आपको गिवन होगा ना, आपको गिवन होगा ए का क्या वैल्यू है. आपको इसका ग्राफ थोड़ी ड्रॉ करना है. आपको ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y equals to x square minus 5x plus 7 का. तो आप देखोगे कि अच्छा a पॉजिटिव है मींस a 1 है तो ग्राफ ऐसा होगा. समझा अभी सर. बट लेकिन लेकिन मैं तो सर x square का जो कोएफिशिएंट था उसको मैं माइनस भी कर सकता हूं ना मेरे हिसाब से. वो तो तेरे हिसाब से तू क्यों कर सकता है, तुझे इसका ग्राफ करेगा ना. वो तो एक लिखने के लिए मैंने बता दिया है कि आपको इस ऐसा दिखने वाला कुछ इक्वेशन मिलेगा या एक्सप्रेशन मिलेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. आपको ax2 bx c का ग्राफ थोड़ी ड्रॉ करने को बोला जाएगा. आपको तो ये बोला जाएगा x2 minus 7x plus 5 या ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक होगा. हाँ इसमें अगर ऐसा गिवन होगा minus x2 plus 2x plus 6 तो आप बोलोगे कि हाँ इसका ग्राफ अपवर्ड होगा इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा. समझा अभी. लेकिन सर अभी x2 minus x plus 5 है उसका ग्राफ मेरा अपवर्ड आ रहा है लेकिन मैं उसको ही कोएफिशिएंट चेंज कर सकता हूँ नेगेटिव तो उसका ग्राफ डाउन कैसे करेगा. बस माइनस करता हूँ ग्राफ. मैंने क्या लिखा है इधर देख ध्यान से, याद देख मैंने क्या लिखा है. ग्राफ इक्वेशन तो कभी ड्रॉ नहीं करते. आपने अगर ये सोचा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं मैंने कहीं भी लिखा है क्या. मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन का ग्राफ है कि नहीं. बात समझ में आ रही है आपको. y equals to x square minus 5x plus 6. ग्राफ का भी इक्वेशन का कैसे ड्रॉ करेंगे plus 7. इसमें कैसे बता, कैसे चेंज करेगा तू बता. कर सकते हैं क्या सर. आपने क्या बोला कि जहां पे एक मिनट, इसका डाउट अच्छा डाउट था इसलिए मैं उसको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं. रुकना एक मिनट बता भाई किसका डाउट था. आ तो सही किधर गया. हां सर हूं. समझ गया. नहीं सर मैं यही सोच रहा था कि अगर जीरो होता तो मैं सिर्फ सीधा माइनस करता क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही था. जीरो तो होगा नहीं ना. समझ गया अभी. हाँ सर हाँ समझ. हाँ अब बता सर्वेश तू क्या पूछना चाह रहा है. सर वो एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा तो वाई की वैल्यू जीरो कैसे आएगी. क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब पे जितने भी पॉइंट होते हैं उस पे वाई तो जीरो होता है ना. ये तो होता है एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है वहां पे वाई का वैल्यू जीरो होता है और y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना. ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, ये 1, 0. ये पॉइंट क्या है, 2, 0. ये पॉइंट क्या है, 0, 1. समझ रहे अभी. ये तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना अपने 10th में. तो अरे बोलो सर्वेश. ऊपर लेना देखना है मुझे क्या सर. थोड़ा ऊपर लेना लिखना है थोड़ा वो बाकी रह गया है. अभी अभी मैंने कॉपी करने को बोला ही नहीं है. अभी पूरा बाकी है भाई. रुक तो जा अभी तो डाउट इन लोगों ने पूछ दिया वो कर रहे थे. अभी तो बाकी है. रुक तो अभी रुक आगे बाकी है. इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए अब क्या होगा. अब रूट्स इसके रियल होंगे और दोनों रूट इक्वल होगा. क्वाड्रेटिक के दो रूट तो आएंगे ही आएंगे और दोनों रूट क्या होगा, इक्वल होगा और ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन का मींस वो एक्स एक्सिस को बस ऐसे मस्त प्यार से टच करता होगा. ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा. समझ रहे. और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, a less than 0 ऐसा हो जाएगा. समझ रहे अभी. बताओ कोई डाउट किसी को.
नो सर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो हो जाए अब तो रियल रूट आएंगे ही नहीं मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं तो ग्राफ ऊपर से ही चला जाएगा और इधर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं तो ग्राफ नीचे से ही आ जाएगा समझा अभी यस सर ठीक है नहीं तो ग्राफ इसका ऐसा बनता है चलिए अब कॉपी करना स्टार्ट कीजिए यहां से कॉपी कर लो चलो अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आना चाहिए ये सब कहीं भी डाउट पूछो लेकिन समझने में कोई कसर मत छोड़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ये सब कहीं साइड में लिखना भाई ये सब यहीं पे मत लिख देना कहीं कोने में अलग से लिखना सर ये वाला नहीं समझा क्या ये वाला सर आपने जो अभी हाईलाइट किए वो वाला नहीं समझा मैं ये बोलना चाह रहा था मैम कि ये जीरो है मतलब अब जीरो कब होता है वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जीरो होता है अब जीरो के बदले मैंने टू कर दिया तो अब रूट का किधर हो जाएगा जिधर वाई का वैल्यू टू होगा वो वाला ना तो वाई इक्वल टू ग्राफ कैसा होता है ऐसा होता है ना ये रूट हो गया अभी समझा और अगर वही सेवन होता तो क्या होता इधर रूट होता क्योंकि y = 7 इधर होता है समझा अभी हाँ सर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वो अच्छे से बहुत फील नहीं भी एक होता है फील आना क्या इस चीज का फील आ गया मुझे तो वो फील आपको जो मैंने इस क्वाड्रेटिक के रूट के केस में बताया ना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0 उस चीज का फील आना बहुत जरूरी है इसका बस समझ के लिख लो बाद में धीरे धीरे खुद ही आ जाए वो फीलिंग खुद ही आ ही जाती है कि नहीं छापो छापो जल्दी छापो मतलब सर ये ग्राफ जो मतलब करेक्ट नहीं बनेगा लेकिन हमारे रेफरेंस के लिए बनेगा क्या एग्जैक्टली करेक्ट ग्राफ बनाने के लिए हर एक पॉइंट आपको करना पड़ेगा तो हम लोग रफ स्केच ही ये दिखा रहे हैं यहाँ पे और वैसा ही ग्राफ बनाना भी होता है हम लोग कौन सा सब्जेक्टिव वैसे पूरा नोटबुक में अच्छे से करते हैं आईआईटी में तो ऐसे ही पूछा जाएगा ना क्यों तो रफ स्केच ही बनाने वाले हम लोग हाँ तुम्हें अगर मन कर रहा है कि नहीं मुझे अच्छे से बनाना है तो लो हर एक पॉइंट मजा नहीं आएगा ना तुम्हें नहीं सर हो गया सर हो गया बाकी लोगों का भी हो गया नहीं सर हाँ सर नहीं भाई लॉकडाउन की वजह से ग्राफ में बस ये पता चला आवाज आ रही है सबको
हाँ सर हाँ सर, वापस से यही देखना पड़ेगा तुम लोगों को कुछ देर तक। यस सर, कुछ देर तक देखो, 2 मिनट बस, क्योंकि मेरा पेंसिल का बैटरी लो हो गया, वो करना पड़ेगा चार्ज। 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट दे दो मुझे, वापस से ये देखते रहो, समझते रहो। चलो आगे दे बढ़ते हैं, मैं सिर्फ बोलता हूँ, सुनो। तो ग्राफ तो आ गया, बट ग्राफ का सिर्फ 2 पॉइंट आया, रूट्स आया है, वो करके हम लोग इतना कर लेंगे, लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी फाइंड किया जा सकता है इस ग्राफ का, जैसे कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो फाइंड कर सकते हैं। इन ग्राफ्स का जो नीचे की तरफ जो मिनिमा बन रहा है, फिजिक्स में आपने थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा देखा होगा, देखा है ना? तो इन सब में आपको मिनिमा मैक्सिमा दिख रहा होगा, इनके ग्राफ्स में दिख रहा है सबको। तो वो मिनिमा मैक्सिमा क्या होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी फाइंड किया जा सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। आप सबको पता है, या तो डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू जीरो कर दो, लेकिन वो फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा नहीं है। उसके अलावा भी तरीका है, दूसरे तरीके से भी इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग डिफरेंशिएट ही करने बैठे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन उससे इजीली हो जाता है अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो। मैं उसका यूज करके बता दूं, क्या उसका यूज करके बताओ या विदाउट उसके बताओ? विदाउट, विदाउट मर जा तू लोग दोनों। अरे बाप रे, ठीक है रुक जाओ एक मिनट। अब चलता है कैसे? अब क्या होगा, क्या बताना था? तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक का हम लोग फॉर्मूला जो आता था रूट्स का, वो कैसे प्रूव करते थे, वो वाला करेंगे। जब कभी भी, ये सेंटेंस ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आप उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या होता है वो देखो। अगर कभी आपके सामने आ जाए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, तो आप इसको कैसे लिखोगे? x स्क्वायर प्लस, बचपन में जो परफेक्ट स्क्वायर तरीके से फैक्टराइज करते थे या रूट्स फाइंड करते थे, वैसे ही करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 × 2 × x लिखते थे, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया है तो b स्क्वायर लिखते थे, प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो माइनस बी स्क्वायर भी लिखते थे, प्लस 5। याद आ रहा है कुछ? बोलो। अरे बोलो यार, हेलो आवाज आ रही है? माइनस टू स्क्वायर क्यों किया सर, पाई तो है ना वहाँ पे, प्लस 1। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो मुझे लगा कई लोगों को नहीं समझेगा इसलिए मैंने कर दिया, और कुछ बात एक ही है ना, प्लस 1 कर देता बाद में तो वही आ गया। क्या ये जो मैंने लिखा ये आप सबको समझा? यस सर। देखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया, अब वो स्टेप आपको मन कर रहा है कि सर आप प्लस 4 लिख दिया है तो माइनस 1 लिख दो, ठीक है भाई लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ प्लस 1 लिख दिया क्योंकि 5 था, यहाँ भी प्लस 1, वही आ गया, वही लिखा है मैंने। इससे फायदा ये हुआ कि अब इसका आप मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो पता है कितना, इन्फिनिटी, x बढ़ाते जाएंगे y का वैल्यू इनफाइनाइट आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम कितना आएगा। अब ये जो स्क्वायर टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म जो है, अब ये जीरो से कम नहीं हो सकता, मिनिमम ये जीरो ही होगा क्योंकि स्क्वायर टर्म है। ये चीज आपने पहले भी देखा होगा, क्या मिनिमम वो जीरो से कम कभी हो सकता है क्या? बोलो, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। तो y मिनिमम यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, ये तो जीरो हो गया तो 1। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम बनाना हो, आप फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना के आप उसका मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर a पॉजिटिव है तो ये पॉइंट मिनिमम होगा, तो ये पॉइंट मिनिमम होगा, तो ये पॉइंट मिनिमम होगा,
लेकिन इफ ए नेगेटिव है तो ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो ये पॉइंट मैक्सिमम, ये चीज आपको ग्राफ से ही दिख रहा है। इस केस में इससे नीचे वैल्यू नहीं आ सकता है तो वो मिनिमम हो गया। यहाँ भी वही सीन है, यहाँ भी वही सीन है, इससे नीचे नहीं आ सकता। अरे ये बात समझ में, बोलो। और इस केस में इससे ऊपर नहीं जा सकता। अरे बोलो, समझा? यस सर। हाँ सर। सर वो मिनिमम वन कैसा, एक और बार बताओ ना। क्या मिनिमम का वैल्यू वन कैसा वो आपस में? क्योंकि क्योंकि बताओ, इसका मिनिमम यही होगा ना, ये सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हाँ सर, नहीं आ रहा था। आ रही है आवाज? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही मैं ये बोल रहा था कि ट्रिगो खत्म हो गया तुम लोगों का। हाँ सर। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा रेंज देखा होगा ना, थोड़ा बहुत रेंज अगर देखा होगा तो ट्रिगो खत्म नहीं हुआ, ट्रिगो स्टॉप किया है। अच्छा अच्छा, तो ये इसीलिए क्या होगा, क्योंकि वहाँ रेंज की जरूरत पड़ी होगी। वही रेंज में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, आज या फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म होता है, जैसे यहाँ पे आपको एक्स प्लस टू होल स्क्वायर दिख रहा है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। स्क्वायर टर्म कभी जीरो से कम नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये मिनिमम जीरो हो गया, तो वन तो कांस्टेंट है, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? वन ही हो गया। अभी समझा? हाँ सर समझ। है ना सर? वही क्या क्या सर्वेश, फिर से बोलो। स्क्वायर की वैल्यू कितनी भी हो सकती है ना? कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम तो जीरो ही होगी ना भाई, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। अपने को मिनिमम से मतलब है, मिनिमम तो जीरो, लीस्ट वैल्यू तो जीरो होगा ना भाई। क्यों सर्वेश, इतना समझा? हाँ वही बोल रहा हूँ। तो लीस्ट वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो गया, तो जीरो प्लस वन वन। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक मिलेगा, आप उसका फॉर्मूला जो मैं आगे बताऊंगा आपको वो नहीं है पता, तो आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना के मिनिमम बता सकते हैं। और अगर ए का वैल्यू नेगेटिव होता तो मैक्सिमम बता सकते, क्योंकि ए नेगेटिव में मैक्सिमम आता था। कुछ दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? ए नेगेटिव में मैक्सिमम आ रहा था। जब यहाँ पे ए नेगेटिव होता तो मिनिमम मत ढूंढने लग जाना, तो मैक्सिमम आएगा। बोलो आई या नहीं बात समझ में? आ गई ना? हाँ सर। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ वही काम करते हैं जो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव के साथ किया था। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव के साथ क्या काम किया था? उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। इसको भी मैं बना देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए इधर अपने को चाहिए टू, क्योंकि चाहिए अपने को टू ए बी। तो मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ। रुको रुको रुको, अभी परेशान मत होना। 4 से 4a से उससे क्या फायदा होगा आपको एक मिनट में दिखने वाला। 4a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4abx हो गया, ये हो गया 4ac डिवाइडेड बाय हो गया 4a। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जल्दी बोलो। नो सर। फिर ये क्या हो जाएगा, 2ax होल स्क्वायर प्लस 2 into 2ax into b, तो a square plus 2ab हो चुका है। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने minus 2 square क्यों किया था, क्योंकि यहाँ भी plus b square करना पड़ेगा। यहाँ तो c से b square कैसे निकालोगे 4ac से, तो minus b square करना पड़ेगा, plus 4ac हो गया divided by 4a हो गया। देख लो अच्छे से, एक मिनट देखो, देखो तुम्हें समझ में खुद ही आएगा। बोलो आ गया समझ में? बोलो सर। ये एडीएस सर ने करवाया था। कोई बात नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ, वापस से देख लो। समझा भी? क्या बी स्क्वायर कहाँ से आएगा? बी स्क्वायर मैंने खुद से प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना था ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर में बी तो चाहिए। समझा भी? बोलो। हाँ सर। बाकी लोग? हाँ सर। अब क्या करें, इसका फायदा ये होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2ax plus b whole square
माइनस के बाद ब्रैकेट में कर देता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए, ठीक है। अब ये स्क्वायर टर्म बन चुका है, अब मैं लिखता हूं ये मैंने लिया था व्हेन ए इज पॉजिटिव, उस केस में लिया है मैंने, ठीक है, ए पॉजिटिव के केस में क्या होगा वाई मिनिमम, क्या होगा वाई मिनिमम जब ये टर्म जीरो हो जाए, क्या मैं ऐसा लिखूं ये टर्म को जीरो कर दूं, बोलो यही होगा ना। हाँ सर। तो माइनस क्या बचा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या उसको मैं डी लिख दू? हाँ सर। और ये कब हुआ एट एक्स इक्वल टू क्या आएगा जब टू ए एक्स प्लस बी जीरो हो जाए, तो यहां से एक्स क्या आया माइनस बी बाय टू ए, जितने स्टार लगा पाओ उतना कम कि कोई भी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आया ना उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो बी वो माइनस डी बाय फोर ए होगा, और वो एक्स की किस वैल्यू पे होगा वॉइस बहुत माइनस हो रहा है ये आपको याद रखना है। मीन्स ग्राफ अगर ऐसा होगा तो मिनिमम यही है, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाय टू ए और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाय फोर ए। देखो समझ में आया, बोलो देखो कितना मजेदार था ये, बोलो ये बात समझ में आया आपको जल्दी बोलो। हाँ सर समझा समझा है ना। अब अगर इधर मैं वाई एक्सिस प्लॉट कर दूं तो कौन बताएगा मुझे कि ये पॉइंट कौन सा होगा, बताओ कौन बताएगा, तुम लोग सोचो और बताओ ये पॉइंट क्या होगा अगर ये ax square plus bx plus c का ग्राफ है तो। C। किसने बोला ये, किसने बोला? हर्षल। कैसे? x को जीरो कर। Exactly। y एक्सिस पे ग्राफ जो गुड y एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे x का वैल्यू जीरो होगा, तो जैसे ही आप उस ग्राफ में x का वैल्यू जीरो रखोगे तो y कितना आएगा c आएगा, c आएगा। तो क्या हो जाएगा c, देखो ग्राफ में कितने सारे पॉइंट मिल गए और ये पॉइंट क्या है ये अल्फा था, ये पॉइंट कौन सा था बीटा था, और वही अगर डाउनवर्ड्स होता तो भी ये पॉइंट क्या आता वही आता x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए ही आता माइनस बी बाय फोर ए ही आता। ये याद रखना है आपको कि जो यहाँ पे वर्टेक्स बनता है ना ग्राफ का, जो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स बनता है ग्राफ का उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। तो वो सी कैसे है, सी की वैल्यू कैसे निकल जाती है, एक्स का वैल्यू जीरो रख दिया पूरे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो मैक्सिमा का पॉइंट भी वही होगा, मैक्सिमा का पॉइंट भी वही होगा बिल्कुल जब ए लेस देन जीरो हो तो वही होगा, क्योंकि उस केस में भी तो यही आएगा ना, और ये मैक्सिमा तब हो जाएगा जब ये जीरो हो जाए, बस वही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। कॉपी करना है आपको, चलो कॉपी कर डालो। क्या आएगा ना यही से प्रूव होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा ये इक्वल टू जीरो कर दो देखो एक्स का क्या वैल्यू आ जाता है, वही से प्रूव होता है। एडीएस सर ने यही बताया होगा एक्स का वैल्यू कैसे आता है, क्यों यही बताया था ना, बोलो सर। एडीएस सर ने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया नहीं अभी तक। अरे तुम लोगों ने भी बोला ना कि आपने सीखा था, तो सर ने ये जरूर बताया होगा। सर वो आपने कैसे निकाला 2ax plus b is equal to 0? देखना ये 0 होगा तब तो वो मिनिमा होगा, उसको 0 ले लिया, ठीक है? नहीं समझा।
वही मैक्सिमा क्यों होगा वो नहीं समझा मुझे। देखना यार अगर यहाँ पे माइनस होता, एक एग्जांपल से देख ले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव होता, यहाँ भी तो वही सीन होगा ना। यहाँ माइनस आप कॉमन ले लोगे और फिर बना लोगे ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर करना पड़ेगा और यह माइनस क्या हो जाएगा जो भी है नाइन। तो माइनस यहाँ भी x माइनस टू स्क्वायर प्लस नाइन हो जाएगा, ये क्या नाइन माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब वापस से वही आ गया ना, देख इसका भी मिनिमम वैल्यू देखो ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये जीरो हो जाए, वापस से इसको ही जीरो कर दिया, समझा अभी? हाँ सर। वापस से स्क्वायर टर्म को ही जीरो किया ना, यहाँ पे स्क्वायर टर्म यही था। तो बाद में ऐसा क्या, अगर a को आप नेगेटिव लोगे बैठे हो ना, इसको करके माइनस लेके करोगे ना, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा इधर प्लस आ जाएगा, तो वापस से सीन वही हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा माइनस ही। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। केतन समझा ना? बट सर अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो होगी तो मिनिमा आएगा ना? तो जीरो होगा तो मिनिमा आएगा, अगर a पॉजिटिव है तो, a नेगेटिव पे मैक्सिमा आएगा। देखना यहाँ पे सब सारे ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे मैंने, d जीरो आ गया तो देख ये मिनिमा है, ये मिनिमा है और d a लेस देन जीरो तो मैक्सिमा है। ठीक है अभी सब कुछ लिख रखा है, और कोई डाउट ऐसे ही पूछो बोलो। सर नीचे करो थोड़ा ग्राफ देखना। हो गया? नहीं सर। तू सर हो गया बोलो। कि देखो c का वैल्यू नेगेटिव कब आया, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स था, या चाहो तो ये पॉइंट को ऐसे दिखा दो माइनस 25 बाय 4, ये पॉइंट को ऐसे ऊपर दिखा सकते हो 1 बाय 2, है ना। नेक्स्ट दूसरा एक और ग्राफ ड्रॉ करो आप, y इक्वल्स टू x, जैसे मैंने किया स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा होता है, कंफ्यूजन कम होता है। इसका ग्राफ ड्रॉ करो,
सर वो अपने माइनस टू और थ्री कैसे लिया? उसके रूट्स माइनस टू थ्री थे ना भाई, यहाँ तो फाइंड किया हमने, समझा अभी? सर इसके तो रियल रूट से नहीं। हाँ तो बताओ कैसा होगा ग्राफ, इसके तो दिया है। हो गया सर। सारे पॉइंट्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे, वर्टेक्स भी दिखाना पड़ेगा, वाइक्स को किधर कट कर रहा है वो भी दिखाना पड़ेगा। वो दिखा, वर्टेक्स आपने नहीं दिखाया होगा, दिखा दिया? हाँ सर दिखा। ठीक है देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, बी इज वन स्क्वायर माइनस फोर, ए इज वन, सी इज वन, वन माइनस फोर माइनस थ्री नेगेटिव आ गया, मीन्स रूट्स तो आने ही नहीं वाले हैं, इस ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करने ही नहीं वाला है। ये सारी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो दो ही चीजें बचा, माइनस बी बाई टू ए निकालना, माइनस बी इज वन, टू ए इज वन, माइनस वन बाई टू, माइनस डी बाई फोर ए भी निकाल लेते हैं, माइनस डी इज माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, ए इज वन, थ्री बाई फोर, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट है कि नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो सेकेंड हुआ ना। वैसे भी आप दिखा सकते हो, माइनस वन बाई टू इधर कहीं आएगा, थ्री बाई फोर इधर कहीं आएगा, ये पॉइंट उसका वर्टेक्स होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? थ्री बाय फोर। ये पॉइंट कौन सा होगा? माइनस वन बाय टू। ये पॉइंट कौन सा होगा? सी। सी कितना था? वन। ये वन होगा। क्यों आया समझ में? यस सर। सब लोगों को जल्दी बोलो। सर वो वन कैसे है? वन सी का वैल्यू भाई, एक्स जीरो रख दिया तब तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को किधर कट करता है? जिधर सी हो जाता है, x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है उधर ही ना। कॉपी कर लो जल्दी, एक और ग्राफ ड्रॉ करो, y equals to minus 3x square plus x minus 1। ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, कॉपी कर। क्या ऊपर वाला? रूप कॉपी करने। हाँ हाँ कर लो कर लो यार, थोड़ा सा बस 20 का माइनस 4 इसे क्वेश्चन बताओ ना नेक्स्ट। रुकना, कॉपी करेगा तब तो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करना। हो गया, हाँ सर हो गया। बाकी लोग सर
नेगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड्स होने वाला है. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वन माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ए इज माइनस थ्री सी इज ऑल्सो माइनस वन, यहाँ माइनस ही रहेगा. ट्वेल्व माइनस इलेवन, डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव, ए का वैल्यू भी नेगेटिव, ग्राफ डाउनवर्ड्स होगा. माइनस बी बाई टू ए भी निकाल लेता हूँ. माइनस बी इज वन बाई टू ए इज माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस वन बाई सिक्स. माइनस डी बाई फोर ए निकाल लेता हूँ. माइनस डी इज माइनस इलेवन बाई फोर ए इज माइनस थ्री, माइनस इलेवन बाई ट्वेल्व. तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट वैसे भी वन बाई सिक्स इधर कहीं होगा और माइनस इलेवन बाई ट्वेल्व इधर कहीं होगा. ये माइनस इलेवन बाई ट्वेल्व है, माइनस वन बाई सिक्स. तो वर्टेक्स ये पॉइंट होने वाला है ना, और ग्राफ डाउनवर्ड्स होने वाला है. क्यों? क्योंकि सर 11 बाय 12 आएगा ना. 11 बाय 12 आएगा नहीं सर, क्या मचा आपने माइनस 1 बाय 6 लिखा है, गलती हो गई. ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समझ जाना. क्यों ऐसा, किसका ग्राफ आया था बताओ? हाँ सर आया. चलो ग्रेट, एक और लास्ट कर लो ग्राफ का. y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. हो गया सर. सेलिब्रेट और कोई? सर दो मिनट. हो गया सर. हो गया सर. सर्वेश जल्दी करो. देखना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वैसे जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो ही आने वाला है. सर आपको कैसे पता चला परफेक्ट स्क्वायर है? अच्छा एक्सपीरियंस मचा. थोड़ा शेयर करो. ये लेना कर दिया, 4 square plus 4x plus 1, 2x plus 1 whole square. नहीं दिख रहा था क्या तुम लोगों को? दिख रहा होगा, दो तीन लोगों को तो दिख रहा होगा, सच बताना. किसी को नहीं दिख रहा था, दिख रहा होगा यार. दिख रहा है. Discriminant 0 हो गया. Minus b by 2a निकाल लो. Minus b is 4 by 2a 4, 4 4 घूमने गया, minus 1 by 2 बचा,
माइनस जीरो पूरे भी निकालते हैं, माइनस डी इज जीरो बाय फोर इक्वल्स टू जीरो। वैसे ही भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, उसका वर्टेक्स तो एक्स एक्सिस पे ही होगा। सिंपल सी बात है, किधर से पता चला? इधर से पता चला। वर्टेक्स किधर होगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। ये लो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और ए का वैल्यू पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, x कोऑर्डिनेट माइनस वन बाय टू, इधर है माइनस वन बाय टू, वाई जीरो, तो यही वर्टेक्स है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सी, जो कि कितना है? वन। खत्म ग्राफ। ये पॉइंट कौन सा है? माइनस वन बाय टू। आया समझ में? ऐसा आया था? किसका ग्राफ ऐसा आया था बोलो? आया था। देखना यहाँ पे x का वैल्यू माइनस वन बाय टू, यहाँ से भी आ जाता आप सबको पता है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट। अरे इधर किधर? गुड नाइट, जाओ मैच देखने। बाय बाय सर। बाय सर। बाय। किसको सपोर्ट करते हैं? मैं मुंबई इंडियंस और आरसीबी। यार आरसीबी और मुंबई इंडियंस, ये दोनों। हाँ सर, मैं भी सर। सर सर आज आरसीबी जीतेगी। आरसीबी को जीतना पड़ेगा भाई, 2020 है। सर आरसीबी घटिया टीम है। अरे सर कब भी वही लेके मत बोलो यार। अबे साले, अबे साले। चलो 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 क्या सर आप मैच देखते हो क्या? मैंने आपको लिंक भेजा था जिसपे स्कोर जल्दी आता है। नहीं मैंने नहीं देखा उसे, पता है। मैंने सोचा कि जल्दी देख के क्या फायदा, फिर मजा नहीं आएगा, डायरेक्ट लाइव ही देखता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय सर।